तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हो, अभी हमारा एक कोट पुट्टी पूरा हो गया है। उधर दिखा दो, पूरा दिखा दो, एक कोट देख सकते हो, हमारा पुट्टी एक कोट पूरा हो चुका है, देख सकते हो। अभी हम आज दो कोट पुट्टी करने वाले हैं। दो कोट पुट्टी कैसे करते हैं, देख सकते हो, अपना पूरा एक कोट पुट्टी हो चुका है। इधर देख सकते हो, पहले से अपना ये अंदर रॉयल कलर लगा हुआ था, रॉयल, जो कि एक कोट हमने कर दिया है। अभी हम आज दो कोट करने वाले हैं। मैं आपको ट्यूबलाइट लगा के दिखा देता हूँ, एक मिनट, ये देख सकते हो, एक मिनट। अभी आप देख सकते हो हमारा कैसा दिख रहा है दोस्तों। जब भी लाइट नहीं लगा रहता है तो कुछ अलग दिखता है, जैसे कि ट्यूबलाइट ऐसा घुमा देंगे तो कुछ अलग इस तरह से दिखेगा, जो कि दिखेगा नहीं कि एक कोट ऐसा लगेगा कि नहीं हुआ है। इसके लिए हमने ट्यूबलाइट लगाया था, देख सकते हो इधर, अच्छा इधर एक कोट है, उस पर हो गया। अभी हम दूसरा कोट करने वाले हैं, और जितना भी आपको ये सब खड्डा खुड्डा दिखता है वो प्लेन करके दिखाने वाले हैं, इसको हम आज लेवल करेंगे। तो सबसे पहले देख सकते हो, पहले दोस्तों देख सकते हो, अपने कुछ पत्तियों की जरूरत पड़ेगी, जो कि मैंने पहले फर्स्ट वीडियो में बता दिया था कि ऐसे दो पत्तियाँ लगेगी, जो कि एक पत्ती में धार रहता है और दूसरी पत्ती में नहीं रहता है। और फिर पुट्टी कैसे भरते हैं, देख सकते हो, ये पत्ती चमक रही है और ये उंगली को कुछ इस प्रकार से पकड़ने को रहता है, वो तो आपको मालूम ही रहेगा, देख सकते हो कि इस प्रकार से ऐसा 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 इस प्रकार से, जो कि दीवार देख सकते हो, दीवार में अपना कैसा कूड़ा खाड़ा दिख रहा है एकदम, देख सकते हो बढ़िया से। एक कोट हो गया है, अभी इसको हमें जो ये सब जो अपना दिख रहा है इधर का ऐसा ऊँच खाल नीच, इसको हम आज प्लेन करेंगे एकदम बढ़िया से। मैं आपको जूम करके अच्छे से दिखा देता हूँ नज़दीक से कि कैसा दिखता है। जैसा कि अभी आप देख सकते हो, ये अपना एक कोट पुट्टी हुआ है और ये बरोबर नहीं दिख रहा। अभी हम दूसरा कोट इसके ऊपर करेंगे, ये नीचे पीओपी थोड़ा किया था इधर, गेम का लगाए थे हम लोग, इसके जैसा हो गया था। तो इस पर आज हम दो कोट पुट्टी करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अपने को समझने को रहता है कि मान लो पुट्टी अभी दो कोट करेंगे और किस प्रकार से करेंगे कि ये सब जो ऐसा लहर आया है ये कैसे ठीक होएगा, पतरे का जॉइंट कैसे जाएगा, ये सब लहर कैसे जाएगा, ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों यही मेन रहता है समझने को, सिर्फ कैसे इसको करने का। अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये देख सकते हो, हमने पुट्टी कुछ इस प्रकार से खींचा था, पतरे को हमने लिया था और कुछ इस प्रकार से खींचा हुआ है, समझ सकते हो। इधर का जॉइंट आप देख सकते हो ऐसा इस प्रकार से गया है, इधर से इधर कुछ इस प्रकार से गया है, और इधर ऊपर भी आप, मतलब कहने का मतलब एक पुट्टी इस प्रकार से खींचा हुआ है, मतलब कि आड़ा आड़ा दीवार को पुट्टी हमने खींचा है। अभी अपने क्या करने को रहेगा, ये ऐसा खाड़ा, मतलब इस प्रकार से पुट्टी खींचना है। जब हम इस प्रकार से खींचेंगे तो ये जो अपना ये सब ऐसा दिख रहा है, ये सब ऐसा पूरा, ये पूरा एकदम ढक जाएगा और एकदम प्लेन हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट, ये देख सकते हो, इधर ऐसा लाया हमने, इधर छोड़ दिए, इधर ऐसा छोड़ दिए, इधर ऐसा, तो ये ऐसा ज्वाइंट भी दिख रहा है इस पर। तो इसको हम आज ठीक करने वाले हैं और आपको हम बताएंगे कैसे खींचने को रहता है, कैसा पतरा पकड़ने को रहता है। चलिए इस पुट्टी खींचना शुरू करते हैं, अभी हम आपको हम दिखाते हैं। हमने पुट्टी देख सकते हो बना लिया था थोड़ा, इधर देख सकते हो पुट्टी, आपको थोड़ा कुछ इधर मीडियम साइज का बना लेना है, ना ही पतला और ना ही जाड़ा, इस प्रकार से कुछ, सॉरी पतरा इधर से ठीक है चलेगा, इधर से भी ऐसा कर लेना है ऐसा, और पतरा ऐसा डालना अंदर और ऐसे करके इसे माल निकाल लेना है, देख सकते हो ऐसा माल आ जाएगा पूरा ऐसा, इस प्रकार से पतरे को ऐसा पूरा, मैंने पहले ही बता दिया था फर्स्ट कोट में कि पुट्टी कैसे भरते हैं, पतरे को पूरा माल ऐसा आएगा, फिर ऐसा ख़त्म हो जाएगा, देख सकते हो। चलिए इसको खींचते हैं हम। सबसे पहले हम इधर से शुरू करेंगे, एक कोने से कोई लेंगे, जैसे ये दीवार है इधर कोने से लेंगे हम। तो सबसे पहले अपने को पतरा मार लेना है, मैं पुट्टी एक मिनट इधर नीचे रख देता हूँ इसमें, और मैं पतरा पहले मार लेता हूँ। पतरा कैसे मारते हैं, देख सकते हो, ये जो अपना उड़ा खड़ा है इसको हम मार के थोड़ा लेवल कर लेंगे, जो अपने लग ये है रैबिट वेबिट है थोड़ा बहुत, इसको हम मार लेंगे और इसको दोबारा भर देंगे भाई, बाकी को हम इतना ऐसा पूरा मार देंगे पतरा। तो इसको हम देख सकते हो, ट्यूबलाइट लगाए हैं ताकि बढ़िया से आपको दिखे और बढ़िया से आपको समझ में आए कि कैसे किया जाता है। तो पीओपी है, पुट्टी हो, किसी भी हुआ, आप पहला कोट हो गया है, ये भी दूसरा कोट करेंगे और ये भी दूसरा कोट करेंगे, आपको दिखाएंगे भी बढ़िया से, देख सकते हो पतरा मार के कुछ इस प्रकार से हो गया। और अभी हम पुट्टी लेंगे ऐसा माल और ऐसा पतरे पे रखेंगे बढ़िया तरीके से, और इसको ये कोने से शुरू करेंगे, ऐसा बीच से आपको भी नहीं शुरू करना है, जैसे पहले कोट करते हैं कोने से शुरू करते हैं तो आपको दूसरा कोट भी कोने से शुरू करना है। अभी हम पहला कोट इस तरीके से खींचे थे, इस तरीके से अभी हम दूसरा कोट ऐसा खड़ा खड़ा खींचेंगे, तो ये अपना जो दिख रहा है ये सब चला जाएगा। चलिए मैं आपको खींच के दिखाता हूँ, फिर परोसे पहला ऐसा पतरा आपको लेना है, ऐसा पहला माल छोड़ देना है अपने को, जैसा पहला पुट्टी पहला कोट में किए थे, और दूसरी बार पतरा ऐसा क्लीन करना है और ऐसे माल को साफ करते हुए फिनिशिंग देते हुए चले आना है। फिर सेम इतना माल आगे छोड़ देना है, इसको काटना है, माल दूसरा लेना है, इस पे रखना है और ऐसे
खींच देना है, ऐसे खींच देना है। चलिए तो खींच देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं बढ़िया से कैसा होता है दूसरा कोट होने के बाद। और लाइट के सामने दोस्तों, जी हाँ देख सकते हो ट्यूबलाइट वगैरह लगा है और आपको सीन दिखेगा कैसा होता है। इसमें ये नहीं भाई अंधेरे में कर रहा हूँ, अंधेरे में दे रहा कुछ नहीं, एकदम बढ़िया तरीके से मैं करके आपको दिखाऊंगा। देख सकते हो हमारा उंगली भी आप देख सकते हो इसी प्रकार हमेशा रहेगा, पूरा खींच लेता हूँ मैं। अभी आप दोस्तों बढ़िया तरीके से देख सकते हो हमारा पहला कोट कैसा था, अभी हमने ट्यूबलाइट भी लगा दिया है और उसके ऊपर आप देख सकते हो कैसा दिख रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा उधर ऊपर कैसा लग रहा है। एक कोट हुआ है और नीचे आप देख सकते हो कैसा दिख रहा है, देख सकते हो इधर जो इधर मेरा थोड़ा बारीक इधर दिख रहा है, ये क्या है ये पतरे का ज्वाइंट है, ये चला जाएगा, इसका टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है आपको। जैसे कि ऊपर आप देख सकते हो एक कोट हुआ है कैसा है और आप नीचे सेम तरीके से देख सकते हो कैसा हुआ है। अब इसके नीचे इधर तक मैंने खींचा है, नीचे जो कि बाकी है इसके लिए मैंने बीच में खींचा ताकि आप अच्छे से समझ सको। देख सकते हो इसमें कितना लहर है, आप समझ सकते हो इसमें देख सकते हो, और इसके में देख सकते हो और इसके ऊपर देख सकते हो, देख सकते हो इस प्रकार से लाइट में जा रहा है तो थोड़ा वाइब्रेट हो रहा है बाकी ऐसा है। और कोई दोस्तों ट्यूबलाइट ऐसा लगा के आपको नहीं दिखाएगा कि पुट्टी दो कोट खींचने के बाद कैसा दिखता है, सब ऐसा अंधेरे में ऐसा बता देंगे, बोलेंगे ऐसा हो गया ऐसा हो गया, देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आपको दो कोट पुट्टी खींच लेना है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ सीख मिली हो, आपको हमारी वीडियो कहीं कुछ पसंद आई हो, तो प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि हमारा पुट्टी आपको कैसा लगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।